नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल गुरुवार सुबह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की खास खबरें। श्री गंगानगर के लोगों को जानकर खुशी होगी कि कोरोना को लेकर जितने सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए थे उन सभी की जो रिपोर्ट पहुंची है वह नेगेटिव है। वरिष्ठ डॉक्टर प्रेम बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि कल जो 6 सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट पहुंची है वे सभी नेगेटिव हैं। श्री गंगानगर की नई धान मंडी में आज से 30 दुकानें खुलनी शुरू हो गई। जो खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए मंडी में भीड़ के साथ खरीद व्यवस्था के लिए आज हुए नवाचार को राज्य भर में लागू किया जाएगा। आज से 10-10 दुकानों के अंतराल पर यह दुकानें शुरू हुई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आज इन दुकानों पर जौ लाने के लिए 69 किसानों को पास जारी किए गए हैं। कल इन पास की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन दुकानों के खुलने से एक तरफ किसानों को राहत मिली है, वहीं दुकानदार और कर्मचारी ने भी राहत महसूस की। श्री गंगानगर जिले के सभी 22 लाख लोगों के स्वास्थ्य का आज से नए सिरे से सर्वे होगा। इसके लिए 1500 बीएलओ व 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सर्वे पोलिंग बूथ एरिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें बुखार, जुखाम, गला खराब, सांस में तकलीफ के रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। जिले के पदमपुर में कल शाम को पूजा व आरती के लिए बाबा रामदेव मंदिर में भीड़ जुटाने पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुजारी भी शामिल है। थाना अधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में गुजारी भादुराम, डॉली नीरज अग्रवाल, बलदेव सिंह, रिंकू अरोड़ा, मनोज कुमार, निशु, मोहनलाल अग्रवाल, इंद्रजीत नायक, विनोद कुमार अरोड़ा को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के गिद्दरवा तहसील से मजदूरी करने गए युवक जैसलमेर जिले में लोग गांव में ऐसे फंसे कि रोटी को मोहताज हो गए। 20 दिनों के बाद पैदल ही वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। श्री गंगानगर तक पहुंचने पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इनको रोका व स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद इनको साधुवाली स्थित आइसोलेशन में ठहराया। श्री गंगानगर जिले की सीमाओं में कोरोना का प्रवेश रोकने के लिए बेवजह घूमने वाले लोगों के 4062 चालान किए गए हैं। 2290 वाहनों को सीज किया गया है और 6,32,850 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। लॉकडाउन के चलते हनुमानगढ़ के रावतसर में वार्ड नंबर 19 निवासी धर्मपाल पुत्र भूराराम की बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। हालांकि धर्मपाल की 4 बेटियां हैं, लेकिन परिवार की इच्छा थी कि हिसार में रहने वाले मृतक की बेटियों के चचेरे भाई से अंतिम संस्कार करवाया जाए, लेकिन वह लॉकडाउन के चलते नहीं आ सके। ऐसे में मृतक की बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उन्हीं ने संस्कार किया। हनुमानगढ़ टाउन में खुले बंदी शिविर से एक बंदी फरार हो गया। इस बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दंडित बंदी नरेंद्र बांगड़ी पुत्र सीताराम जाट निवासी अग्रोहा जिला हिसार हरियाणा 7 अप्रैल को खुला बंदी शिविर टाउन में सुबह ही हाजिरी में अनुपस्थित मिला, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत पीलीबंगा पुलिस में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ निवासी नरेश कुमार व्यक्ति द्वारा झूठी सूचना दी गई कि मलेशिया से आए हुए कुछ लोग पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। मौके पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उसके पश्चात नरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में ही 3 सप्ताह पहले ईंट भट्टे पर 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुधीर को जैसलमेर के मोहनगढ़ एरिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात की घटना के बाद से ही फरार था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।